शुरुआत करे छे निधि, ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू, तूने सुना? ये कुणाल कोहू को तलाक देना चाहता है? उसका दिमाग तो ठीक है? ये मीनू, तू सुन रही है ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली ये बात मुझे भी अभी अभी पता चली, तो अब सोचना पड़ेगा कि करे तो क्या करे। अब तू ही ये संभाल सकती है। आज इस घर के एक नहीं, दोनों बेटों की जिंदगी का सवाल है। हाँ बापूजी, कुणाल से गलती हुई है, अब उस गलती को ठीक करना ही होगा। और ओह, हाँ ये लोग आ गए हैं। रुको, यहाँ ओहो, मेरी तरफ देखो और सच बताओ, क्या तुम कुणाल को छोड़कर जाना चाहती हो? नहीं, पर मैं इस घर में उसके साथ नहीं रह सकती। तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो, फिर भी तुम इस घर में हो। इतना बड़ा झगड़ा हुआ, बात डिवोर्स तक पहुंच गए, फिर भी तुम हमारे घर में हो, और अब तुम हमारे घर, परिवार और कुणाल को छोड़कर जाना चाहती हो? क्यों? मैं इस घर से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर इस घर में मिश्ती आ जाएगी और एक बार फिर मुझे ये फैमिली शेयर करनी पड़ेगी उसके साथ। और फिर तुम्हारी परेशानी मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? को मैं मिश्ती से बेहद नफरत करती थी, मिश्ती की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया था। पर वो शादी तो कर रहे ना? अभी रोज से शादी करना मिश्ती का हक है, वो अपना हक क्यों छोड़ेगी? मिश्ती अपना हक क्यों छोड़ेगी, बात सही है, पर तुम्हें भी अपने हक के बारे में सोचना चाहिए। अब एक सच्चाई सुन लो, कुणाल ने तुमसे प्यार करने का नाटक किया था मेरे कहने पर, लेकिन तुमने तो इस घर को अपना लिया। तुम्हारे एहसानों को मैं आजीवन नहीं भूलूंगी माँ अम्बे की सौगंध। तुम्हारा जो भी डिसीशन होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरी प्यारी बहू। खुशियां भी बांटे ये रिश्ते, कभी हिलाते आंसू के मौसम खुद ही, सुलझे हुए से धागों को दिल ये ना जाने उलझा है ये तो खुद ही। आंखों को यार दिन लगे यार रहना, झूठा जो तेरा साथ है ना। जय श्री कृष्ण। बड़े पापा, यहाँ आने के लिए थैंक यू। हमें तो आना ही था अबीर, हमें बापूजी से बात करनी है और माँ से भी। आइए ना। आइए। क्योंकि ये बात कुहू की जिंदगी की है, तो हम ये फैसला शौर्य और वर्षा पर छोड़ते हैं। हाँ बेटा, तुम जो भी तय करोगे हमें मंजूर होगा। कुणाल बेटा, मैं तुमसे जितनी बार भी मिली, मेरे दिल से तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही आशीर्वाद निकला कि तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम दोनों को इस रिश्ते में बांधना चाहती थी। अगर अब भी तुम कुहू से प्यार नहीं करते हो तो करता हूं। माँ और कुहू की बात सुनने के बाद मैंने रियलाइज किया मैंने कुहू के साथ कितना गलत किया, कितना अनफेयर था मैं उसके साथ। मैंने रियलाइज किया वो सबको इतना प्यार करती है, मनु तो ऑलरेडी दिल से यंग थी, बट कुहू के आने के बाद 10 साल और यंगर हो गए। मैं तुझसे भी 10 साल यंग हूँ ब्रो। वो सच में सबको बहुत प्यार करती है। और सबसे प्यार करना तुमने कुहू से सीखा है, है ना? मैं एक बार आप दोनों से एक फॉर्मल परमिशन लेना चाहता हूँ। किस बात की परमिशन? कुहू
उसे शादी करने की, उसे शादी करने की। बेखुदी लेके जाएगी, जाए बेखुदी। मैं ये बात मुझे बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी, बट मैं आप बोल रहा हूँ, मैं आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ, बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, इसीलिए अगर आपकी ना है तो मैं इन पेपर्स पे साइन कर देता, पेपर्स पे साइन कर देता। भाभी आप कुणाल को रोक क्यों नहीं रही? अगर आप उसे नहीं रोकेंगी तो सृष्टि इनका भी रिश्ता तोड़ देगी। नहीं चाची, जो कुछ भी हो रहा है उसका ब्लेम सिर्फ मुझ पे आना चाहिए, सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, सृष्टि की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पेपर साइन करते तो लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी। नहीं को तू ऐसी शादी में बिल्कुल नहीं रही। ये मेरी शादी है पापा, और ये रिलेशनशिप अब वैसी नहीं है जैसे पहले थी, क्योंकि कुणाल अब वैसा नहीं है जैसे पहले था। अब सब कुछ बदल गया है पापा। अगर ऐसा होता तो कुणाल आपसे कभी मेरा हाथ नहीं मांगता। हैशटैग फॉर्मल प्रपोजल। कू ठीक कह रही है शौर्य बेटा, अंत भला तो सब भला। प्लीज पापा, मुझे एक चांस देके देखिए। आई प्रॉमिस मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मामा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन कू तूने ये सब बातें घर पे तो नहीं कही थी, आप क्यों कह रही? इनकी वजह से, इन्होंने मुझे समझाया, ये फैमिली, ये रिश्ता, ये ससुराल, ये सब मेरा हक है और मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। प्लीज पापा, प्लीज। जी ये फैसला आपने मुझे लेने के लिए कहा था, लेकिन मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ। आप बताइए भाऊजी, आप जो कहेंगे हम सब आपके साथ हैं। बापूजी, हम सिर्फ रिश्ते जोड़ने और उन्हें संजोना जानते हैं। आप हमें भरोसा दिलाइए बाबूजी कि आपके इस घर में हमारी दोनों बेटियों पर कोई नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि हम किस पर और कितना भरोसा करें यह हम नहीं जानते। बड़े पापा, प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। कू हमेशा खुश रहेगी, हमेशा। तो ठीक है, बारात लेकर आइए। किसकी बारात दादू? हाय, माँ को ने जो मांगा वो सही तो मांगा भाभी, कौन सा कुछ गलत कह दिया उसने? एक मिनट जस्मीन, शौर्य की बाउटी क्या सोचा आपने? हम क्या सोचेंगे शौर्य की माँ? मीनाक्षी जी ने मिस्टी पर घर तोड़ने का इल्जाम लगाया था, आज जसमीत ने उनकी बात में हामी भरकर उस इल्जाम को सबूत में बदल दिया। अब अगर मिस्टी कुहू की मांग नहीं मानेगी तो मिस्टी पर कई और इल्जाम लगेंगे। अरे यार, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? Wow, this is amazing. I mean, I can't believe it, यार. हमारी फैमिली हम दोनों की शादी के लिए तैयार होगी। यार घूमता रहे नाम को, जीता रहे। आज तूने खुश कर दिया। पता है ये लड़की के पापा को प्रपोज करना ओरिजिनली आइडिया मेरा ही है। भाई कुहू मान तो गई है, बट उसने कुछ मांगा है। हाँ तो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है? बट जो उसने मांगा है मैं उसे नहीं दे सकता।
आप दोनों से पूछे बिना तो बिल्कुल भी नहीं। अरे यार मेरी तरफ से हाँ है। आप एक बार सुन तो लो। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, सिर्फ शादी के ढोल सुनना चाहता हूँ, तेरी और मेरी शादी के ढोल। ओके मेरे ब्रो को जो चाहिए उसे दे दे और शादी के लिए रेडी हो जा। कुणाल वो ने क्या मांगा है, वो ने क्या मांगा है? हम कुहू की मांग से परेशान नहीं है, हम इस बात से परेशान है कि एक बार फिर हमें अपनी दो बेटियों में से किसी एक बेटी की खुशी को चुनना होगा। हम मिष्टी के जवाब से नहीं, इस बात से परेशान है कि मिष्टी के पास देने के लिए सिर्फ एक ही जवाब होगा। और मिष्टी करेगी भी क्या, उसके सामने सवाल नहीं एक मांग है। हम अपनी बेटी को अच्छे से जानते हैं शौर्य की मां, जैसे वो हमारे कहने पर नन्नू के साथ शादी करने को तैयार हो गई थी वैसे ही वो कुहू की मांग पूरी करने के लिए हाँ भी कह देगी। ताया जी तो उसमें कौन सी बड़ी जंग जीत लेगी वो, अरे इस परिवार ने उस मुंहपोली पे बहुत ज्यादा एहसान किए, एक दो अदा कर लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। गलती हमारी है शौर्य की मां, पिछले कई दिनों में हमने मिष्टी के बारे में ऐसी वैसी बातें बोली जाने दी है, हम खुद भी चुप रहे और हमें देख कर आप भी चुप रहे। हम दोनों को लगता था कि इस समय नन्नू और जसमीत के दिल दुखे हुए हैं, उनके दिलों को हल्का होने के लिए हमें थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन एक बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं शौर्य की माँ, हमारे घर ने नन्नू पे भी बहुत सारे एहसान किए हैं लेकिन जताए नहीं, हमारे घर ने कुहू पे भी बहुत सारे एहसान किए हैं लेकिन सुनाए नहीं। ताया जी और जो हमने नहीं किया वो हम अपने साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे जसमीत। सॉरी ताया जी, ये परिवार उतना ही मिष्टी का है जितना कि आपका, सर पर छत हमारी हो या फिर राजवंश परिवार की, उस छत के नीचे अगर मिष्टी की बेइज्जती हुई तो अगली बार हम चुप नहीं रहेंगे जसमीत। आइए शौर्य की माँ। जी आओ वर्ष चलो। आप दोनों को तो पता ही है कुहू को कभी भी उसकी ड्रीम मैरिज नहीं मिली, मैंने उससे झूठ बोल के उसकी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन भी उससे छीन लिया। वो स्पेशल दिन वो सेलिब्रेट करना चाहती है भाई, ताकि हम अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सके। तो ये अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? ये उसकी मांग नहीं है ना कुणाल भाई, उसे ये मंडप चाहिए, उसे ये मंडप चाहिए, वो आप दोनों की शादी का मंडप चाहती है। उसने डिमांड किया है कि हमारी शादी इसी मंडप में आज ही होगी। प्लीज भाई क्या आप ये मंडप हमें दे सकते हैं? मंडप हमें दे सकते हैं? माऊ जी ने मंडप सजाने के लिए बोला है। थैंक यू भैया आप यहाँ आए, लेकिन हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए, मंडप हम खुद सजा देंगे। सॉरी मैं तुझे ये मंडप नहीं दे सकता, क्योंकि ये मंडप सिर्फ मेरा नहीं है, मिष्टी का भी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।